कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े जा रहे हैं, 2.5 लाख के करीब हो गए हैं, और ये और देशों के मामले में अब हम हमारी पोजीशन भी ऊपर को जा रही है। लेकिन इसको एक और तरीके से देखना ज़रूरी है कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हमारी जो जनसंख्या है वो यूरोप के कई देशों को मिला के बनती है। इसलिए अगर हम कंपेयर करें कि इटली या स्पेन से हम ज़्यादा आगे जा रहे हैं, तो वो उनकी पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन का रेशो भी देखना ज़रूरी है। पर मेरा ये मानना है कि नंबर्स पे हम इतना ना जाएं, हम उस पे फोकस करें कि हमारे यहाँ डेथ्स कम होनी चाहिए, हमें लोगों को बचाने की ज़रूरत है। हम ये भी जानते हैं कि जो कोरोना के केसेस हैं, कोविड के जो केसेस आ रहे हैं, मेजॉरिटी जो है, मैं कहूँगा 90% तक जो केसेस हैं वो बड़े माइल्ड केसेस हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है, और मेरा ये मानना है कि मेजॉरिटी हमारे केसेस जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमें उन लोगों को बचाना है जो ज़्यादा सिक है, जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं, जो या जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी देखभाल पूरी होनी चाहिए या उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये कर पाएंगे तो चाहे हमारे केसेस बढ़ते रहें लेकिन हमारी डेथ रेट जो है वो कम होगी, और अगर हमारी डेथ्स कम होगी तो हमारी जो कोरोना की लड़ाई है वो एक मतलब सफल रहेगी। तो कुछ हद तक कोरोना जो है हमारे साथ रहेगा, ये ऐसा नहीं दिख रहा कि हम कहें कि ये हमारी एकदम ख़त्म हो जाएगी। हमारा देश में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कोरोना के केसेस, मेरा ये मानना है कि बाद में भी रहेंगे, क्योंकि वायरस एकदम तो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हमें दो कोशिशें करनी है, एक ये कि पीक केसेस जो हैं कम होने शुरू हों, वो है कि पीक आके हम आगे निकलें। ये कब आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात भी सही है कि देश के अलग अलग भागों में पीक अलग अलग टाइम पे आ सकता है, क्योंकि हर एक एरिया थोड़ा का बिहेवियर अलग है, हमारा देश भी बहुत बड़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि केसेस कम भी हो जाएंगे तो ख़त्म तो नहीं होंगे, इसलिए जो हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, या है मास्क लगाने की बात कर रहे हैं, वो हमें कई महीने या कई साल भर कर कर ये प्रिकॉशंस रखने पड़े।